आज मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो डाल रहा हूँ फ्लिपकार्ट से रिलेटेड। मैंने जैसे ऑर्डर किया था अभी रिसेंटली, ये देख सकते हैं आप लोग, आईफोन भी किया था और उसका भी वीडियो मैं अपने चैनल में डाल रहा हूँ। मैं एक कॉन्सेप्ट है जो अभी नया नया आया है मार्केट में, वो है ओपन बॉक्स डिलीवरी फ्लिपकार्ट में। इसके बारे में थोड़ा अवेयर करना चाहता हूँ लोगों को, क्योंकि मेरे साथ एक गलती हुई है और गलती फ्लिपकार्ट की तरफ से थी, बट वो लोग मतलब उनका कोई गलती नहीं है एक्चुअली, वो लोग ऐसा कुछ फंसा के रखे। तो अभी आप बताता हूँ कैसे क्या है सिस्टम, बाकी इसके बारे में अच्छे से बताना चाहूँगा। आप जैसे देख सकते हैं, मैं आईफोन जब ऑर्डर किया था उसके बाद फिर ये हुआ था, ये भी ओपन बॉक्स डिलीवरी था। देख सकते हैं लिखा है आइटम वॉज ओपन एंड व्यूड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, मतलब ये कि जब भी डिलीवरी होगा उस टाइम पर आपको प्रेजेंट भी रहना है और अच्छे से जो डिलीवरी पर्सन है वो आपको खोल के इस चीज़ को वेरीफाई करेगा, फ़ोटो वोटो खींचेगा और सब कुछ ओके आप देखेंगे तभी जाके वो ऑर्डर को एक्सेप्ट करेगा कि हाँ हो गया। बट एक तरफ से अच्छा है कि हाँ, ये सब जैसे मोबाइल फ़ोन्स ये वो ये सब चीज़ें में ज़रूरी था, क्योंकि बहुत लोग ऐसे करते भी थे बदमाशी, तो उसके लिए बहुत अच्छा स्टेप है। बट कुछ चीज़ों में प्रॉब्लमेटिक है, जैसे मेरा अभी रिसेंटली मैंने अभी ऑर्डर किया था, जैसे ये फ्लिप्स का जो क्या बोलते हैं हैंड मिक्सर है, तो ये भी था ओपन बॉक्स डिलीवरी और मैं ये तीन आइटम्स एक साथ था, एक ग्लास बोल, फिलिप्स का ये हैंड मिक्सर और ये आपका कढ़ाई हॉकिंस का। ये तीन आइटम्स एक साथ मैंने ऑर्डर किया था, उसमें से फिलिप्स मेरे को सबसे पहले डिलीवर हुआ। डिलीवर होने के बाद ये जो आइटम है ये ओपन बॉक्स डिलीवरी के अंदर आता है, लिखा भी है। इसका रिव्यू मैंने ख़राब दिया है, क्यों दिया है बताता हूँ आपको। ये जो प्रोडक्ट है काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और इसको जब ये आया मेरे पास तो ओपन बॉक्स डिलीवरी सोच के मैं रखा था कि ठीक है देखना पड़ेगा अच्छे से, देख लेंगे जो भी चीज़ें हैं उस हिसाब से। मान लीजिए आप घर पे नहीं हैं और आपके अलावा आपके मॉम है, डैड है, कोई और है जो उस चीज़ को हैंड ओवर कर सकता है या ले सकता है, आपने लिया मान लीजिए और उसमें थोड़ा बहुत जो भी चेकिंग था वो हमने किया जैसे होना चाहिए। बट अगर आपको उस मोमेंट में आपने चेक करके नहीं देखा सारी चीज़ें, जैसे वो काम कर रहा है नहीं सब कुछ ठीक है, और उसमें कोई भी माइनर स्क्रैचेस या फिर कोई भी चीज़ें हैं, कोई बेंड है, कोई स्क्रैचेस है, ये वो है नहीं, तो वो सब आपको उस मोमेंट में ही चेक करना पड़ेगा जहाँ पर वो डिलीवरी पर्सन खड़ा रहेगा आपके सामने, चाहे वो आपको कितना भी फोर्स करे, चाहे कुछ भी करे ठीक है कि आप जल्दी देख लीजिए भैया मैं और भी डिलीवरी कर, नहीं आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उसको बोलना है कि भाई ओपन बॉक्स डिलीवरी है हमें अच्छे से देखना पड़ेगा, तो आप लोग जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग जल्दबाजी करें या फिर आपकी जगह कोई और देखेगा और वो अच्छे से ना देखे इस चीज़ को, तो जैसे इस प्रोडक्ट में मेरा जो था इसका एक एक तो जो हुक है, हुक या क्या बोलते हैं इसको, जो बीटर का जो स्टेनलेस स्टील का ही है, बीट करने के लिए काम आता है, उसमें एक तो जो हुक है वो हल्का सा बेंड है, हल्का सा बेंड है इस लास्ट एंड में, और उसके बॉडी में बहुत सारे स्क्रैचेस है जो लाइट जब पड़ती है उसमें अच्छे से दिखने जाओगे तब दिखेगा। अब क्या है कि डिलीवरी हम लोग जब लेते हैं, हम लोग क्या है कि दरवाजे के सामने लेते हैं, उस टाइम पे उतना वो नहीं रहता कि अच्छे से लाइटिंग कंडीशन रहे या फिर हम लोग अच्छे से खोल खाल के पूरा अच्छे से पूरा सब चीज़ देखेंगे कि कोई स्क्रैच है, कोई डेंट है, ये सब है नहीं, हम लोग ज़्यादातर नहीं करते ऐसे। बट इनका जो कंडीशन है टर्म्स एंड कंडीशन फ्लिपकार्ट का, वो ये कहता है कि आपको उस मोमेंट में सारा कुछ चेक करना है ठीक है, आपका कोई भी हल्का सा भी कोई कट हो, हल्का सा भी कोई स्क्रैचेस हो, कुछ भी हो और आपको नहीं चाहिए तो उस मोमेंट में आपको देखना अच्छे से, चाहे 10 मिनट लगे चाहे 15 मिनट लगे आपको अच्छे से देखना है, और उस टाइम पर आपको नहीं है तो आप उस मोमेंट में रिटर्न कर सको, तो नहीं तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं रिटर्न में गया, अब इतने सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन दिख रहे हैं कि हाँ रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन जब आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे ना और करके कोई भी आप अप्रोप्रिएट कुछ भी रीज़न दोगे तो आपको लिखा आ जाएगा, मैं चलो दिखाई देता हूँ स्क्रैचेस ठीक है, इसमें मैं कोई भी इमेज डाल दूंगा, इमेज भी डालना ज़रूरी है, अभी थोड़ा चेंज कर दिया हम लोग ने सिस्टम, मान लीजिए मैं कुछ भी डाल दे रहा हूँ, ये डाल दिया मैंने, ये डाल दिया, थोड़ा वीडियो लेंदी हो सकता है बट बहुत इंफॉर्मेटिव है और आपको ज़रूरी देखना चाहिए ये वीडियो पूरा, क्योंकि मेरे साथ हुआ है और इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल होगा ना, ये तो चलो ठीक है कि ऑर्डर जो है उसमें प्रॉब्लम थी। देखिए, रिटर्न कैन नॉट बी प्लेस्ड फॉर दिस रीज़न, दिस वॉज ओपन बॉक्स डिलीवरी, हैंस चूज अनदर ऑप्शन। तो ये बोल रहा है कि अभी रिटर्न तो हो नहीं सकता, मैं जो रीज़न दिया उस चीज़ को लेके ठीक है, तो रीज़न मैं चेंज कर लेता हूँ, मान लीजिए
यहाँ पर जितने भी सारे रीज़न है ना, उनमें से कोई भी रीज़न में आप रिटर्न तो कर ही नहीं सकते, बट रिप्लेसमेंट हो सकता है, वो भी आपको रीज़न देना पड़ेगा। कैसे, मैं दिखाता हूँ। रिसिव्ड ब्रोकन और डैमेज आइटम, रिसिव्ड डिफेक्टिव, मान लीजिए डिफेक्टिव, ठीक है, पावर कंसिस्टेंट नहीं है, स्क्रीन जो भी है, सॉरी एक्सेसरी नहीं, चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैं डिफेक्टिव लगता हूँ, ठीक है, नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अब इनका देखिए रीज़न क्या चेंज हो गया। अब आप लोग कुछ भी इशू होगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चीज़ है तो आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, ठीक है। अब फ्लिपकार्ट मतलब ये खुद से रिटर्न करेगा, रिप्लेस कर देगा, वो चीज़ें इस प्रोडक्ट में कर नहीं रहा है। अब मैं दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, इसमें क्या है कि मेरे को बोल दिया कि सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, तो मैं अगर इसमें से रीज़न चेंज करूँ, कोई सा भी ले लूँ, आइदर रिटर्न नहीं होगा या फिर आपका कोई भी इशू, आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, यही वो लोग रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ऑर्डर डिलीवर हुआ है वो स्पेसिफिकेशन के साथ मैच कर रहा है कि ऑर्डर जो है वो मेरा यही है, और इसमें से कोई भी डिफेक्ट हो, अगर काम नहीं कर रहा या फिर कोई और इशू हो रहा है तो वो अब फंक्शनल इशू है। फंक्शनल इशू मतलब सर्विस सेंटर भागो, और अगर ट्रांजिट इशू है मतलब कि ले आने जाने में ये सब में कोई स्क्रैचेस डेंट वेंट कुछ भी हो जा रहा है, डैमेज पड़ रहा है, तो ऑन द स्पॉट आपको उस जगह पे रिपोर्ट करना पड़ेगा जब वो डिलीवरी पर्सन आके दे रहा है हैंड ओवर। और आप बाद में शांति से जाके देख रहे हो रूम में बैठ के आराम से कि कोई दिक्कत है नहीं, या फिर बाद में देख रहे हो, तो वो सब एक्सेप्टेबल नहीं है। अब बाद में ये सब चीज़ें एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो हो गया सो हो गया, वापस नहीं हो सकता और रिप्लेस भी कर नहीं रहे। तो अब दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो इशू था ये फ्लिप्स वाला, उसमें रिप्लेसमेंट में काम हो जाता। अब नेक्स्ट, यहाँ पर मेरा पहला गलती हुआ, अब दूसरा गलती दिखाता हूँ आपको, ये है कढ़ाई का, ठीक है। सो ये आ गया, कल कोई जस्ट आया था, इसका गलती क्या है? गलती ये है, मैंने ये कढ़ाई दिखाता हूँ आपको, ये मैंने लिखा देख के, इसमें डीप फ्राई पैन करके लिखा है ना, हॉकिंस डीप फ्राई पैन, तो इस कैटेगरी में जो है, जो फ्राई पैन वाला कैटेगरी है उसमें ये थोड़ा हार्ड इंडस्ट वाला जो है ना वो वाला लिख के रहेगा हमेशा, यहाँ पर हार्ड इंडस्ट करके लिखा रहेगा और फ्यूचर का रहेगा। अब मैंने जब ख़रीदा था इसको, मतलब ख़रीदा नहीं, जब ख़रीदने जा रहा था, उसके पहले मैं मार्केट में ऑलरेडी देख चुका था, तो गलती इसमें मेरी है कि मैं जो मार्केट में देखा था मैं उस चीज़ को इसको सिमिलर मान लिया और इसको ख़रीद लिया, बट इसमें फ़र्क ही है, ये जो है ना डीप फ्राई पैन करके लिखा हुआ है, ये इसमें नहीं होना चाहिए था एक्चुअली, ठीक है। इसमें कढ़ाई दिया है, ठीक है, इसमें 3.5 वाला ये जो क्या बोलते हैं डीप फ्राई पैन, ये वाला नहीं होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि हॉकिंस इसको उस कैटेगरी में नहीं डालता, इसको नॉन स्टिक कढ़ाई वाले कैटेगरी में डालता है और हार्ड इंडस्ट वाले कैटेगरी में डालता है, इसको डीप फ्राई वाला कैटेगरी नहीं डालता, उसके लिए अलग है। मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसा है डिज़ाइन, ये थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ है ना, ये थोड़ा सा उठा हुआ है, और इसका जो कोटिंग है ना, इसमें नॉन स्टिक वाला कोटिंग लेयरिंग दिया है, और इसका थिकनेस भी कम है, और भी बहुत सारे फैक्टर है, बट ये कढ़ाई जैसा देखने में, जो डीप फ्राई पैन है मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे को एक्चुअली वही वाला चाहिए था, मैंने गलती से ये किया हूँ, ये दिखा, तो ये थोड़ा राउंड वाला बॉटम है, बट जो भी एक आइडिया के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या है डिफरेंस, इसमें नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, मैं दूसरा दिखाता हूँ एकदम, इसमें शायद दिख जाए, ये भी तो सेम ही निकला। सो और एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर मैं ना ये इसमें 2 साल का वारंटी है, ठीक है, प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन वो लोग कैसे लिखे हैं चीज़ों को, ये लोग ने डीप फ्राई पैन भी लिखा है, इन्होंने कढ़ाई भी लिखा है नॉन स्टिक वाला, इन्होंने अपने तरफ से 2 साल का वारंटी भी लिखा है, वारंटी मतलब वही वारंटी समरी, 2 ईयर्स मैन्युफैक्चर गारंटी। अब ये डोमेस्टिक वारंटी क्या 5 साल का, मतलब आप अगर डिस्क्रिप्शन में भी अच्छे से नहीं देखोगे ना चीज़ों को, और इसका तो कोई रिव्यू नहीं था, मैंने यह कि कोई पिक्चर विक्चर नहीं था, इसलिए मेरे से गलती हो गया उस जगह पे, क्योंकि जो डीप फ्राई पैन वाला टाइप का है उसका जो कोटिंग है वो सिर्फ हार्ड वनिलाइज्ड है बस, और वो थोड़ा ग्रेइश टाइप का दिखता है। अब इतना ज़्यादा सिमिलर है ना ये दोनों प्रोडक्ट कि मेरे से गलती हो गई इसमें, अब मेरे से गलती होगी मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने डबल ट्रबल चीज़ें मेंशन करके रखा है कि 5 साल का वारंटी भी देखे रखा है, 2 साल भी देखे रखा है, और यहाँ पर हार्ड एंड मतलब ये क्या बोलते हैं कढ़ाई भी और डीप फ्राई पैन दोनों ही इस चीज़ लिख के देख के रखा है।
अब मैं कभी सर्च कर रहा हूँ, मैं मान लीजिए गूगल में सर्च कर रहा हूँ और मैं सर्च कर रहा हूँ कढ़ाई करके, नॉनस्टिक कढ़ाई, तो मेरे को ये दिखना चाहिए। और मैं हार्ड डीप फ्राई पैन सर्च कर रहा हूँ तो ये नहीं दिखना चाहिए मेरे को ये प्रोडक्ट, बट तब भी ये दिख रहा है। क्यों? फ्लिपकार्ट ने डबल डबल नाम और डबल डबल क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में चीज़ें लिख के रखा है, जिससे इंसान कन्फ्यूज़ हो जाए। और उसको देखना चाहिए इस चीज़ को ध्यान से कि एक्चुअली चाहता क्या, पर सर्च करेगा तो ये प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हैं, दिखा देंगे। तो इस प्रोडक्ट में मेरी गलती है। अब उस गलती के लिए मैं चाहता था कि इसको रिटर्न कर दूं, बट ये भी है ओपन बॉक्स डिलीवरी। अब उनका ये कहना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बोलते हैं इमेज के साथ मैच कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन के साथ भी मैच कर रहे हैं, चाहे डबल डबल वो लोग लिख के रखा ठीक है, बट तब भी वो डिस्क्रिप्शन के साथ मैच कर रहा है। क्यों? क्योंकि करेगा ही, डबल डबल लिख के रखें और इमेज के साथ कर रहे हैं क्योंकि जो दिख रहा है वही मिल रहा है। तो गलती मेरी है इसमें, मैं इस चीज़ को एक्नोलेज करता हूँ। और यहाँ पर मैं चाहता था कि रिटर्न कर दूँ एटलीस्ट, कि मेरे से उस टाइम पर गलती होगी, मैं ध्यान से देख नहीं पाया क्योंकि कोई और हैंड ओवर लिया था और मुझे पता नहीं था कि ऐसा निकलेगा अंदर में, नॉनस्टिक वाला निकलेगा ये पूरा। तो मैं उनसे ऑप्शन लिया कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या, पहले तो रिटर्न हो जाता था सिंपली, क्या गलती हो गई, मिस्टेक से दूसरा प्रोडक्ट दे दिया तो रिटर्न हो जाता था, बट अभी ऐसा कर दिया स्ट्रिक्टली कि अब आपको ऑर्डर बहुत ध्यान से देख के करना ही पड़ेगा ठीक है। चाहे वो लोग अपने डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख के रखें, आपको डबल डबल चार चार बार वेरीफाई करके आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर एक बार डिलीवर हो गया फिर वही नाटक। इसमें तो रिटर्न तो हो ही नहीं सकता, बट रिप्लेसमेंट हो सकता है। रिप्लेसमेंट मतलब यही कि जो प्रोडक्ट मैंने ख़रीदा वही सेम मेरे को दूसरा पीस दे देंगे रिप्लेस करके, वो एटलीस्ट एक ऑप्शन है। बट जो भी है, ये भी मेरे को उतना पसंद नहीं आया ये ऑर्डर, बट इसमें मेरी गलती है इसलिए मैं इसको रेटिंग नहीं किया। अब तीसरा जो प्रोडक्ट है वो आज को आ रहा है, ये ऑर्डर आज को आ रहा है और देखते हैं कैसा होता है। इसमें ये ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं है तो देखते हैं। बाकी इनका मैं ऑर्डर का सिस्टम भी थोड़ा चेंज हुआ है, पहले जैसे हम लोग ऑर्डर करते थे सॉरी पहले जब ऑर्डर करते थे हम लोग पार्ट बाय पार्ट मैं जैसे ये तीनों ऑर्डर किए एक साथ, कोई बात नहीं मेरे को एक नहीं चाहिए तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ उस हिसाब से अपना एडजस्ट हो जाता था चीज़ें। बट इसमें अभी ऐसा कर दिया कि एक साथ ऑर्डर कर दिया ना आपने तो पता नहीं ये लोग तीनों ऑर्डर को एक साथ पकड़ के रखें और एक भी इनमें से कोई कैंसिल करूँ मैं तो मेरे को पैसा नहीं दे रहे, बोलते हैं कि पूरा ऑर्डर पक्का कैंसिल हो जाएगा सारा का। मान लीजिए मेरे को ये पसंद नहीं आया कि मेरे को अभी ये नहीं चाहिए, ये बोल नहीं चाहिए या फिर मेरे को कढ़ाई नहीं चाहिए अभी, मान लीजिए मैं ऑर्डर प्लेस कर चुका, और प्लेस करने के बाद अगर मैं इसमें से कोई भी एक प्रोडक्ट, इन तीनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट मैं उस मोमेंट में कैंसिल करूँ आफ्टर प्लेसिंग द ऑर्डर, तो अब तीनों का तीनों आइटम एक साथ कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, यह है बात। तो ये थोड़ा सिस्टम भी चेंज हो गया। दूसरा मान लीजिए एक ऑर्डर आपका डिलीवर हो गया, इनमें से कोई भी ऑर्डर एक भी डिलीवर हो गया, तब अब बाकी जो ऑर्डर्स हैं ना उनको कैंसिल नहीं कर सकते, उनको आप रिटर्न ही कर सकते हो। रिटर्न तभी हो पाएगा जब आपका ऑर्डर आ जाएगा, और रिटर्न भी ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि नाम रिटर्न का लिखा आ रहा है लेकिन रिटर्न नहीं हो सकता। मान लीजिए मेरा अभी तक आया नहीं है ये वाला ठीक है, ये अच्छा एग्जाम्पल है, देखिए मेरा भी ऑन द वे है और बाकी ऑर्डर्स हैं वो आ चुका है, तो मेरे यहाँ पर एडिट करके भी दिखा सकते हैं कि मैं ऑर्डर कब चाहता हूँ, बट आज को अगर ये ऑटो डिलीवरी दिखा चुका है तो अब मैं रिटर्न ही कर पाऊँगा। रिटर्न मतलब ये कि आपको एक्सेप्ट करना होगा, आप ऑर्डर लेंगे उसके बाद फिर आपको रिटर्न देना पड़ेगा, जिसका प्रोसेस वैसा हो गया बेकार सा कि आप रिटर्न नहीं कर सकते, काफ़ी हद तक वैसे ही है। तो ओवरऑल ये बोलने का मतलब था कि उनका पॉलिसी, थोड़ा लंबा वीडियो जा चुका है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इनका पॉलिसी डे टू डे चेंज हो रहा है और कुछ चीज़ अच्छी तरफ जा रही है, जैसे एप्पल का था ये फ़ोन वोन की चीज़ों में ठीक था, ये सब चीज़ों में क्या है कि इंसान उतना अच्छे से नहीं देख पाता उस मोमेंट में जब वो डिलीवरी वाला आएगा, इंसान शांति से देखेगा बाद में चीज़ों को तो ज़्यादा सही से रखता है। अब उस मोमेंट में खड़े होकर आपको एकदम देखना पड़ेगा अच्छे से। मान लीजिए कोई ऑफिस में है, कोई वर्क प्लेस में आपने बुलाया कोई चीज़ को, तो वहाँ पर खोल के आपको दिखाने लग जाएगा जो बिल्कुल कन्वीनियंट लगता नहीं है। हर कोई चाहता है कि ऑर्डर आ जाए उसका फिर हम अपना शांति से देखेंगे करेंगे, बट वीडियो तो रह गया ना कि एटलीस्ट हाँ तुमने खोला और नहीं खोला जो भी बाद में रह गया, तो उस चीज़ को भी कर सकता था फ्लिपकार्ट, बट वही है कि आजकल जैसा स्कैम चलता है उस हिसाब से ये लोग भी अपने तरफ से कर रहे हैं स्टेप ठीक है, बट एटलीस्ट रिटर्न थोड़ा कन्वीनियंट होना चाहिए था, एटलीस्ट रिटर्न या रिप्लेसमेंट ये सब चीज़ें, कि उस मोमेंट में इंसान कहीं भी हो, चाहे घर पर हो कहीं भी हो, जब वो डिलीवरी वाला देके जाता है उस मोमेंट में
सारा चीज़ चेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, हर किसी के लिए मुश्किल होगा ये चीज़। प्लस जो डिलीवरी पर्सन, वो खड़ा भी रहना नहीं चाहेगा, वो इरीटेट करेगा, शांति से देखने देगा। तो ये सब बातें और कुछ नहीं। तो आप लोग भी जब करें तो अच्छे से देख के ऑर्डर कीजिएगा, जैसे मैंने मिस्टेक किया, अच्छे से देख के नहीं कर पाया मैं उस टाइम पे। ये लोग स्कैम करके खेल के रखे थे कि डबल डबल डिस्क्रिप्शन में डाल के रखें, जिससे मैं उतना ध्यान नहीं दे पाया। और भाई, और यही बात है कि दूसरे, मैं तो अभी फ्लिपकार्ट थोड़ा कम यूज़ करने लग जाऊँगा, मैं बहुत सालों से कस्टमर हूँ फ्लिपकार्ट, बहुत सारा ऑर्डर किया मैंने। बट वही, अब जिस तरह का ये लोग चल रहे हैं, इनका कस्टमर सर्विस भी अच्छा नहीं है, डिलीवरी भी, देखिए मैं पूरा फुल पैसा पे कर रहा हूँ ये सब। मैं ऐसा नहीं कि कुछ क्या बोलते हैं, कोई ऑफर चल रहा है 10% ऑफ ये सब कार्ड वार्ड लगा के, जिसमें मानता हूँ कि चलो ठीक है, क्या पता अच्छा प्रोडक्ट नहीं भी आया, उतना स्क्रैचेस ऐसे चल जाते माइनर, बट पूरा फुल पैसा दो, दुकान जैसे ही पैसा दो और सही से चीज़ें नहीं आए तो वो सही नहीं रहता। और उसमें भी तुम्हारे रिटर्न या फिर रिप्लेसमेंट इतना कन्वीनियंट ना हो कि उसके लिए सर्विस सेंटर भागो, ये तो बात नहीं हुई ना सही। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, आप लोग ने इतना बड़ा वीडियो देखा मेरा, छोटा सा वीडियो था लेकिन इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी इसलिए आप लोग के लिए। और कोई बात हो, कोई कमेंट करना हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर दिया। और मैं तो अभी सीधा बोलता हूँ कि मेरे को अमेज़ॉन का सर्विस ज़्यादा अच्छा लगता है, अमेज़ॉन से हमेशा भी ऑर्डर करने लगा हूँ, हमेशा क्या मतलब पहले से ही करता था बट कम करता था, अभी ज़्यादा करने लगा बिकॉज ऑफ फ्लिपकार्ट जो अच्छा सर्विस नहीं दे रहा बिल्कुल भी। सो और ये मेरे को रिप्लेसमेंट सर्विस तो छोड़िए, गलत गलत प्रोडक्ट दे दे रहे हैं। ये देखिए एक प्रोडक्ट है जो क्या बोलते हैं, बैक कवर था, इसका भी वीडियो मैं अपने चैनल में डाला कि दिखाया कुछ और दे कुछ और दिया, तो इसका रिप्लेसमेंट मैंने डाला, आज को आएगा तो देखते हैं ये भी कैसा आता है। तो ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं फ्लिपकार्ट और कुछ नहीं, परेशान कर रखती हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और फ्लिपकार्ट से कोई देख रहा होगा तो ज़रूर अपना सर्विस इंप्रूव कीजिए, नहीं तो कस्टमर सब अमेज़ॉन और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं उनमें चले जाएंगे। और मैं तो बहुत पुराना कस्टमर फ्लिपकार्ट का, तब भी मजबूरन जाना पड़ेगा, तब बॉयकॉट करना पड़ जाए क्या पता सबको मिलकर। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, तब तक ले गुड बाय।